पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एकता सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दीपाली अग्रवाल का स्वागत और कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन रामगंगा बिहार स्थित दीपाली अग्रवाल के आवास पर किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साह वर्धन भी किया गया। इस अवसर पर नव निर्वाचित एकता सेवा समिति ट्रस्ट की प्रदेश अध्यक्ष दीपाली अग्रवाल का सभी सदस्यों ने मिलकर उत्साह बढ़ाया तो वहीं उनका सम्मान भी किया। इस दौरान एकता सेवा समिति की संपूर्ण कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें सभी को उनके दायित्व सौंपे गए। इस अवसर पर कोरोना काल के दौरान समाज सेवा में अग्रणी रहने वाली संस्थाओं और अन्य लोगों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर अंचित अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, हर्षित गुप्ता, भावना चौधरी, दिव्या अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, शैलेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा, हिमांशु शर्मा, निधि शर्मा, सरिता शर्मा, ममता अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने कहा कि एकता सेवा समिति ट्रस्ट को सभी एक साथ मिलजुल कर आगे ले जाएंगे और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक नई भूमिका निभाएंगे। तो वहीं दीपाली अग्रवाल ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगी। इस अवसर पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी सभी को संदेश दिया गया और कहा गया कि सभी को इस दौरान पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। हमारी एकता सेवा समिति को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पहले हमारे अध्यक्ष थे अंचित अग्रवाल जी, अब हमारी समिति में अब संगठन में ये मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और इस संदर्भ में आज ये सभा यहाँ पे रखी गई थी मेरे आवास पर। और इस सभा में हमने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन लोगों ने कोरोना काल में पूरे समाज की, मुरादाबाद के लोगों की, जिनको ज़रूरतमंद थी सैनिटाइज़र, ऑक्सीजन और जिन दवाइयों की जिन जिन को जरूरत थी, उनकी जिन लोगों ने सेवा करी उनको हमने सम्मान दिया और प्रशस्ति पत्र देकर उनको हार्दिक स्वागत किया। और सभी जो भी हमारी एकता समिति से आज नए चेहरे जुड़े उन लोगों को भी हमने हार्दिक स्वागत किया और उनका सम्मान किया। और इस पल को यादगार बनाने के लिए हमने आज एक वृक्ष भी लगाया है ताकि ये हमें याद रहे कि हमारी समिति एक सेवा भाव के लिए बनी है। अच्छा, इसके अलावा किस तरह से इस पद की पद का निर्वहन करेंगे और किसे जिम्मेदारियों को ये आज एक मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो इसको मैं पूरी ईमानदारी से इसको निभाऊंगी। आगे हमारा यही उद्देश्य है कि जिसको ज़रूरत है, किसी बच्चों को सैनिटरी की ज़रूरत है या किसी रोगी को दवाइयों की ज़रूरत है या किसी को बच्चा जो फीस नहीं दे पा रहा है स्कूल की या जो भी, मतलब जिसको ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है या जिसको एनीथिंग, जो भी जिसको ज़रूरत है उसकी हम ज़रूरतें पूरी करें अपनी संस्था की तरफ से। और हमारी यही समाज सेवा है और यही हमारा भाव है कि हम दिल से उन लोगों की सहायता कर सकें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।